देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद यही है कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष के बेटे के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक महिला का जो है वो चंडीगढ़ में पीछा किया और जो आरोप है कि उसे किडनैप तक करने की कोशिश की गई, पर लड़की की सतर्कता को देखते हुए उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने पीछा करते हुए इन एक्यूज को, जिनके ऊपर आरोप हैं, उन्हें तुरंत वहीं से गिरफ्तार किया। लेकिन अभी हमारा एक ही चिंता है कि भाजपा के बेटे से भारत की बेटी बचाओ, ये वही नारा है जो केंद्र की सरकार ने बेटी बचाओ का दिया था। आज खुद के घर में इस नारे को हकीकत में जब बदलने की बात आई है तो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सब जान रहे हैं कि जब ये वारदात हुई, पुलिस को फोन किया गया, बकायदा पीसी में चंडीगढ़ पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन कुछ समय के बाद सबके बाद सामने ये बात आती है कि चंडीगढ़ पुलिस दिल्ली पुलिस की तरह सीधे केंद्र के अधीन काम करती है। किसका दबाव है ये देश जानना चाहता है कि किसके दबाव में चंडीगढ़ पुलिस ने जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे उन धाराओं को बाद में बदल क्यों दिया गया, उन्हें जमानती क्यों बना दिया गया, उन्हें जमानत देकर छोड़ क्यों दिया, किन लोगों ने उस समय चंडीगढ़ की पुलिस को फोन करके दबाव में ये मुकदमों को बदलने का दबाव बनाया। अब ये बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है क्योंकि अब ये भी देखने को आ गया है कि भाजपा अपना चेहरा बचाने के लिए जो विक्टिम है उसके ऊपर आरोप लगा रही है। इस तरह के आरोप कि 12 बजे वो खुद बाहर क्यों थी, ये वही सोच है जो निर्भया से शुरू होकर यहाँ तक आती है। लेकिन कुछ भी बदला नहीं ये दिखता कि आप किसी तरह भी जब घिरते हैं तो आप विक्टिम को जो है उसी को घेरना शुरू कर दीजिए। यही काम हम सब यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं कि किसी तरह भी जो शिकायत करता है, जिसने बहुत हिम्मत दिखाई, जो आज सबके सामने अपनी बात को मजबूती से रख रही है, इसीलिए पूरा देश आज उस बेटी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है कि आप सत्ता के ताकत में अंधे होकर किसी भी तरह ये सोचेंगे कि कानून को आप तोड़ मरोड़ लेंगे, अपने हित में उसका इस्तेमाल कर लेंगे, उन कानूनी धाराओं को आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने हित में बदलवा सकते हैं, ये सब प्रदर्शन यहाँ पर होते हुए हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है उनसे बिल्कुल हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली की तरह चंडीगढ़ की पुलिस आपके अधीन है, बेटी बचाओ का नारा आपने दिया है, अब उस नारे को हकीकत में बदलना है। और हम यही निवेदन करते हैं कि भाजपा के बेटों से भारत की बेटी बचानी होगी। इन्हीं मांग के साथ आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरी तरह से हम पीड़ित जो है विक्टिम्स के साथ खड़े हैं और आगे भी जिस स्तर पर इस लड़ाई को ले जाना होगा ताकि देश भर की नज़र आज मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके माध्यम से पूरा देश एक उम्मीद लगाकर बैठा है कि क्या पैसे वाले, सत्ता वाले, रसूख वाले लोग अपने मुताबिक किसी तरह भी दबाव से केस बदलाकर जो है वो एक न्याय की लड़ाई को बिल्कुल जो है ख़त्म कर सकते हैं। आज वही चुनौती हम सबके सामने, उम्मीद करते हैं हम सब कामयाब होंगे और एक आदर्श बेटी बचाओ के नारे को हम लोग जुमले से बाहर निकालकर हकीकत में बदल सकेंगे। आम आदमी पार्टी, यहाँ कुछ सवाल। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र शासित जो केंद्र में सत्ता में इस वक्त बैठी हुई पार्टी है उससे पूछना चाहती है कि बीजेपी का क्या स्टैंड है इस शर्मनाक किस्से पर, इस शर्मनाक वाक्य पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, और जो भी रजिस्ट्रेशन हुई FIR वो चेंज हो गई, उस पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करना चाहेगी, उन सेक्शंस को कैसे माइल्ड सेक्शंस में बदल दिया गया उस पर बीजेपी क्या रिएक्शन देना चाहेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस दिल्ली पुलिस की ही तरह डायरेक्टली MHA को रिपोर्ट करती है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, यानी यह गृह मंत्रालय की भाजपा की पुलिस है, इस पे क्या कहना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि क्या FIR के सेक्शन बिना किसी प्रेशर के चेंज हुए हैं, इस पर हम जवाब चाहते हैं, हम जवाब मांगना चाहते हैं। और चंडीगढ़ जैसे हाई सिक्योरिटी यूनियन टेरिटरी में किस प्रकार CCTV फुटेज को डिस्ट्रॉय किया गया, इन्वेस्टिगेशन केस
शुरू हो गया, उसकी इनिशियल केसेस स्टेजेस पे चला भी गया, उसके बावजूद ऐसे कैसे संभव है कि चंडीगढ़ जैसे हाई सिक्योरिटी यूनियन टेरिटरी में सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया गया, प्रूफ से टैम्परिंग की गई? तो इसका भी हम जवाब मांगते हैं। और जिस प्रकार सोशल मीडिया पे और एक विलिफिकेशन कैंपेन चल रही है विक्टिम के बारे में, गलत गलत बातें फैलाई जा रही हैं, और ये पहली बात नहीं हो रहा है, जब भी कोई लड़की पर्दा हटा के बताती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और बीजेपी के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ट्रॉल्स की पूरी एक सेना उनके चरित्र हनन पे उन पे प्रश्न उठा देती है कि तुम इतने बजे क्यों बाहर गई, और तुम इस तरह क्यों गई, और तुम्हारी उम्र क्या थी, और तुम किस अवस्था में थी, और बहुत सारी अन्य चीज़ें। परंतु यहाँ बेसिक क्वेश्चन एक डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का है, और हमारे अधिकारों का है कि अगर FIR लॉन्च हुई, अगर CCTV फुटेज था तो वो कहाँ गया, उसको डैमेज कैसे किया गया, और चंडीगढ़ पुलिस MHA के अंडर आती है, इस सब की जिम्मेदारी उसकी है। इस तरह की छेड़खानी जो हो रही है सबूतों के साथ, यह इस पे भाजपा का क्या स्टैंड है, यह हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद।